नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 14 बहु की विदा के आगे के प्रश्न करेंगे। इससे पहले के प्रश्न हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जो प्रश्न अनुमान और कल्पना, बातचीत और पाठ में से थे। तो आज हम भाषा की बात से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में क्रिया विशेषण शब्द छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। इस जो पहेली है, वर्ग पहेली, इसमें क्रिया विशेषण शब्द छिपे हुए हैं। क्रिया विशेषण कौन से शब्द होते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे क्रिया है आना या आएगा, वह कल आएगा। तो यहाँ पर आएगा जो है एक क्रिया हो रही है, और कब आएगा? कल आएगा। कल क्या है? उसका विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कल आएगा। ठीक है, तो हम इस वर्ग पहेली में से वही क्रिया विशेषण शब्द छांटेंगे। तो हमारा देखते हैं, पहला बनता है कल, और अभी, वह अभी गया है। आप वाक्य भी बना के देख सकते हैं। धीरे, सीता धीरे धीरे चलती है, यानी कैसे चलती है सीता? धीरे धीरे। तब, और देखते हैं ये इधर, आज, बहुत, जैसे बच्चा बहुत रो रहा है, रोने की क्रिया हो रही है, पर कैसे रो रहा है? बहुत रो रहा है। तो वो रोने की विशेषता बता रहा है कि बच्चा जो है बहुत रो रहा है। और देखते हैं किधर, किधर भी बन सकता है एक हमारा, तुम किधर जा रहे हो, जाने की क्रिया हो रही है, लेकिन किधर जो है उसका विशेषण है कि तुम किधर जा रहे हो। तो हम इन्हें यहां पर लिख देते हैं, अभी, धीरे, तब, बहुत, आज, किधर, इधर, कल। एक हमारा ये भी बन सकता है, तेज, वह तेज चलता है या तेज दौड़ता है। तो हमारा एक क्या हो गया? तेज। तो ये हमने वर्ग पहेली में से क्रिया विशेषण शब्द छांट दिए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, पाठ में आए कोई चार शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। आपने ये पाठ पढ़ा होगा खुद से, तो आपने देखे होंगे उसमें कई शब्द युग्म आए हैं, जिनमें से हमें चार यहाँ पर लिखने हैं। तो हम देख लेते हैं, पहला हम लिखेंगे यहाँ पे रंग बिरंगे। जो इस तरह के शब्द आते हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, तो ये शब्द युग्म शब्द होते हैं। अगला, नाक मूछ, नाक मूछ। तीसरा, सुख सुहाग। ये सभी शब्द जो हैं इस पाठ में आए हुए हैं, भला बुरा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा,
पाठ में आए कोई चार पुनरुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। अब हमें वे शब्द लिखने हैं जिनकी पुनरावृत्ति हुई है दोबारा, जैसे होता है बार बार, कभी कभी, धीरे धीरे, जिनमें योजक चिन्ह तो लगा हुआ है बीच में, लेकिन दोनों एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। तो पाठ में कौन कौन से आए हम वही लिखेंगे। एक आया है कभी कभी, खड़ी खड़ी, जहाँ पर जीवन लाल अपनी पत्नी राजेश्वरी से कहता है कि तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, बहू की विदा नहीं करनी क्या तुम्हें। धीरे धीरे, और समझाते समझाते, इनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है तो इन्हें पुनरुक्त शब्द कहते हैं। समझाते समझाते। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न जो हैं हमारे वो ये जीवन मूल्य से संबंधित हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। दहेज प्रथा नैतिक मूल्यों का हनन कर रही है, कैसे? कि जो दहेज प्रथा है वह हमारे नैतिक मूल्यों को का हनन कर रही है, उनका पतन हो रहा है एक तरह से, तो वो कैसे? तो उत्तर देखते हैं। दहेज प्रथा नैतिक मूल्यों का हनन कर रही है क्योंकि दहेज के लालची ससुराल वाले अपनी बहू को तरह तरह से परेशान करते हैं। कभी कभी तो दहेज के लालच में वे अपनी बहू को जिंदा जला देते हैं। ऐसे में दहेज प्रथा समाज के लिए एक बदनुमा दाग के अलावा कुछ नहीं है। कि जो दहेज के लालची होते हैं ससुराल वाले, वे अपनी बहू को, चाहे उनका पेट कभी नहीं भरता, क्योंकि जो लालची व्यक्ति होते हैं उनका पेट जो है, चाहे उन्हें जितना मर्जी दे दो, लेकिन उन्होंने अपनी बहू को किसी न किसी प्रकार से तंग करना ही है, और कभी कभी उसे जिंदा भी जला दिया जाता है। तो दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए एक बहुत ही बदनुमा दाग है। अगला प्रश्न। बेटा बेटी की समानता सुदृढ़ समाज की नींव है, अपने विचार बताइए। तो इसका उत्तर है, मेरे विचार से यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि समाज में दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके बिना समाज का सही तरीके से चल पाना असंभव है, इसलिए हमें बेटा बेटी को समान समझना चाहिए। कि कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि हमें लड़का लड़की में भेद नहीं करना चाहिए, दोनों की ही भूमिका बहुत ही समाज में महत्वपूर्ण है, और दोनों के ही बिना इस समाज का सही तरीके से चल पाना एक कठिन कार्य हो जाता है। हर क्षेत्र में दोनों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों को ही हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो उसमें समान अवसर दिए जाने चाहिए। यदि समाज के सभी लोग अपनी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाएं और बेटा बेटी को एक समान समझें, तभी सुदृढ़ समाज की नींव रखी जा सकती है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।